हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम करंट अफेयर से संबंधित बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और यह क्वेश्चन आपके हाल के ही करंट अफेयर G20 जो सम्मेलन हुआ है उससे संबंधित रहने वाला है, ठीक है। करंट अफेयर से संबंधित आपके महिला पर्यवेक्षक में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और पहली बार क्योंकि भारत में हुआ है इस वजह से और बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि इससे क्वेश्चन पूछा जा सके, तो आप सभी इन क्वेश्चन को अपनी कॉपी में या फिर नोट्स में नोट्स कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस सेशन को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो सभी क्वेश्चन है पहले ही बता दिया गया है कि G20 शिखर सम्मेलन से संबंधित रहेंगे, तो चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि G20 शिखर सम्मेलन से संबंधित है। सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश ने की है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है भारत, चीन, फ्रांस, जर्मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, भारत ने की है। चलिए अब इसका डिटेल देखते हैं, डिटेल भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। आप सभी को ये सभी चीज़ें जो है अपनी कॉपी में नोट करनी चाहिए। तो देखते हैं भारत महत्वपूर्ण जानकारी क्या है G20 से संबंधित। भारत ने पहली बार 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है, ठीक है। और सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है, किसके द्वारा की गई है, तो श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा की गई है। और यह है कौन सा संस्करण था G20 का, तो यह 18वां संस्करण था, ठीक है। आगे देखते हैं, और G20 की जो थीम रही है तो थीम कौन सी थी, तो थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। और इसमें इसके आगे में ही एक और लाइन दे दी गई है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है, ये फ्यूचर है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है। यह इसकी क्या थी, G20 की थीम थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 का 21वां स्थायी सदस्य देश कौन बना है, ठीक है। 21वां स्थायी सदस्य देश कौन बना है, ऑप्शन दिए गए हैं एशियाई संघ, अफ्रीकी संघ, उत्तरी कोरिया या फिर श्रीलंका। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीकी संघ जो है G20 का 21वां स्थायी सदस्य देश बना है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। तो आपका ये जो अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष हैं अजीली ओस्मानी थे, ठीक है। और अफ्रीकी यूनियन संघ जो है 55 अफ्रीकी देशों का एक संघ है। कितने अफ्रीकी देशों का संघ है, तो 55 अफ्रीकी देशों का संघ है। अफ्रीकी संघ का गठन जो है कब हुआ था, तो 9 जुलाई सन 2000 को अफ्रीकी यूनियन संघ का क्या किया गया था, गठन किया गया था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम के बाहर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई थी, नदी की, नटराज की, अशोक की या फिर भगवान विष्णु की। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो नटराज जी हैं, ठीक है, जो कि विष्णु जी का अवतार माने जाते हैं, इनकी प्रतिमा को क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नटराज, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं, हो सकता है कि थोड़ा सा डिटेल में भी पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर इसकी महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि यह दुनिया में नटराज की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 27 फीट, और चौड़ाई कितनी है, 21 फीट, और इसका वजन कितना है, 18 टन। तो इसे भी याद रखेंगे, ऊँचाई 27 फीट, चौड़ाई 21 फीट और वजन 18 टन, ठीक है, इस नटराज जी की मूर्ति का। और यह किससे मिलकर बनी हुई है, तो यह जो है अष्ट धातुओं से मिलकर बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 सदस्य देश में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद GDP का लगभग कितना प्रतिशत है,
55%, 65%, 85% या फिर 82%। तो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी से यहाँ पर क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। तो कितना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 85%, ठीक है। 85% जो है सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी का इतना प्रतिशत है, इसके लिए G20 देशों के वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, कितना है, 85%। तो अभी तक तो आप सभी को याद हो गया होगा। आगे चलते हैं, इसकी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। जीडीपी में लगभग 85% का हिस्सा है, ठीक है। वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक हिस्सा है, ठीक है। जीडीपी के सकल घरेलू उत्पाद का कितना है, 85%, ठीक है। और वैश्विक व्यापार का कितना है, 75% से अधिक, ठीक है। इसमें विश्व की लगभग 2/3 आबादी जो है सम्मिलित है। तो ये सभी याद रखेंगे, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है G20 शिखर सम्मेलन 2023 का लोगो क्या है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है गोल पृथ्वी, खिलता हुआ कमल, मोटा अनाज या फिर महासागर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खिलता हुआ कमल, ठीक है। क्योंकि अध्यक्षता किसने की है, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी का चुनाव चिन्ह तो सभी को पता होगा, खिलता हुआ कमल, ठीक है। तो इससे आप सभी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो G20 शिखर सम्मेलन का जो लोगो रहा है तो वह था खिलता हुआ कमल, ठीक है। तो याद रखेंगे, काफ़ी आसान ट्रिक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 समूह की स्थापना कब हुई थी, 1992 में, 1996 में, 1997 में या फिर 1999 में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1999 में। तो G20 समूह की स्थापना कब हुई थी, सन 1999 में, ठीक है। तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट इसका डिटेल देख लेते हैं थोड़ा सा, इसकी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। स्थापना वर्ष 25 सितंबर 1999 में सात देशों ने, ठीक है, सात देशों के जो विदेश मंत्री थे। आगे देखते हैं, स्थापना वर्ष 25 सितंबर 1999 में सात देशों, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान और इटली के विदेश मंत्रियों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप। क्वेश्चन दिया गया है, भारत G20 का सदस्य देश कब बना, 1999 में, 2002 में, 2004 में या फिर 2006 में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 1999 में बना था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पास G20 की अध्यक्षता कब से कब तक की है, 1 जनवरी 2022 से 30 नवंबर 2023 तक, 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2023 तक या फिर 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक जो है भारत के पास G20 की अध्यक्षता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, G20 शिखर सम्मेलन मुख्य रूप से सम्मेलन कब आयोजित हुआ, ठीक है, मुख्य रूप से G20 शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ, ठीक है। हाल ही में 9 से 10 सितंबर 2023, 25 से 30 अगस्त 2023, 1 से 3 सितंबर 2023 या फिर 15 अगस्त से 20 सितंबर 2023, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 से 10 सितंबर 2023, ठीक है, हाल ही में हुआ है और हाल ही में अभी सितंबर का महीना मंथ चल भी रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन में भारत के शेरपा कौन बने थे, राजीव कुमार, अमिताभ कांत, नृपेंद्र मिश्रा या फिर अजीत डोभाल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ कांत, ठीक है। ये क्या बने थे, ये भारत के शेरपा बने थे, कौन, अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी, सभी को पता है, अभी मैंने बता दिया था थोड़ी देर पहले, वसुधैव कुटुंबकम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
महत्वपूर्ण जानकारी। वसुधैव कुटुंबकम, जिसके सामने में एक लाइन और जोड़ी गई थी, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, ठीक है, तो ये एक साथ थे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 में कितने अतिथि देशों को बुलाया गया था? 3 देशों को, 7 देशों को, 9 देशों को या फिर 13 देशों को? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 देशों को बुलाया गया था। नाम देख लेते हैं, मॉरिशस, इजिप्ट, बांग्लादेश, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, ये सभी आपके विदेश हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 2023 में ट्राइका में कौन कौन से देश शामिल हैं? ठीक है, G20 2023 के जो ट्राइका में हैं, तो कौन कौन से देश शामिल हैं? तो भारत, रूस, चीन, इंडोनेशिया, भारत, ब्राज़ील, भारत, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील, ठीक है। ट्राइका में कौन कौन से देश शामिल होते हैं, जहाँ पर G20 पहले आयोजित किया जा चुका हो और आयोजित किया जा रहा हो और भविष्य में आयोजित किया जाएगा, ठीक है, तो इसमें 3 देश सम्मिलित होते हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील, ठीक है। पूर्व में G20 किस कंट्री में आयोजित किया गया था, तो इंडोनेशिया में किया गया था, ठीक है। हाल में कहाँ आयोजित किया गया, भारत में आयोजित किया गया, ठीक है, और भविष्य में मतलब 2024 में G20 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो यह आयोजित किया जाएगा ब्राज़ील में, ठीक है। तो इस तरह से इनका एक क्रम आपको याद रखना है, हो सकता है कि आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी यही दिया गया है कि पूर्व, वर्तमान और भविष्य में अध्यक्षता करने वाले देश होते हैं, ठीक है, G20 ट्राइका में। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? अभी कौन सा संस्करण चल रहा था, तो अभी 18वां संस्करण चल रहा था, जिसकी अध्यक्षता किसने की, तो भारत ने की, और आने वाले टाइम में 2024 में 19वां संस्करण चलेगा, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो अभी मैंने बताया, ठीक है, ब्राज़ील करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील। पहला सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन DC अमेरिका में हुआ था, ठीक है, और पिछला सम्मेलन 2022 में कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में। अभी ट्राइका में मैंने जो क्वेश्चन करवाया उसमें मैंने बताया था, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अमेरिका में, इंडोनेशिया में, डेनमार्क में या फिर कोई मुख्यालय नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, G20 का कोई भी मुख्यालय नहीं है, ठीक है, तो याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, G20 के सदस्य में अब शामिल हैं 18 देश और यूरोपियन संघ, 19 देश और 2 संघ देश, 16 देश और यूरोपियन संघ और 12 देश और यूरोपियन संघ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19 देश शामिल हैं और 2 संघ शामिल हैं, ठीक है। आगे हम इसका डिटेल देखते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी में, जर्मनी, अमेरिका, जापान, भारत, रूस, यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मैक्सिको, इटली, चीन, फ्रांस, कनाडा, दक्षिण कोरिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, ये सभी जो 19 कंट्रियां हैं ये शामिल हैं, और 2 जो है संघ हैं, कौन कौन से, यूरोपियन संघ और अफ्रीकी संघ। अफ्रीकी संघ में कितने देश हैं, 55, ठीक है, 55 देश जो है शामिल हैं अफ्रीकी संघ में, तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, B20 इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एन चंद्रशेखरन को, निर्मला सीतारमण को, नरेंद्र मोदी को या फिर अमित शाह को? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एन चंद्रशेखरन को, ठीक है। B20 आपका किससे संबंधित है, वैश्विक व्यापार, बिजनेस, इन सभी चीज़ों से ये संबंधित होता है, ठीक है, तो किसे इसका अध्यक्ष चुना गया है, तो एन चंद्रशेखरन को, ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सिविल 20 C20 का अध्यक्ष किसे चुना गया है? निर्मला सीतारमण को, निधि छब्बर को, अमृता नंदमयी देवी को या फिर अनुराग ठाकुर को? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमृता नंदमयी देवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली G20 शेरपा बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? कोलकाता पश्चिम बंगाल, उदयपुर राजस्थान, इंदौर मध्य प्रदेश या फिर लखनऊ उत्तर प्रदेश? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 कहाँ आयोजित की गई है? ठीक है, जो विदेश से मंत्री आए हुए थे G20 में, उनकी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई या फिर भोपाल? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाकिफ है कि भारत की राजधानी में ही हुई है बैठक, तो इस तरह से इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तो याद भी रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस शहर ने की है? कोलकाता ने, बेंगलुरु ने, चंडीगढ़ ने या फिर नई दिल्ली ने? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु ने की है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बैठक देख लेते हैं जो कि आपके महिला पर्यवेक्षक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे क्योंकि यह महिलाओं से संबंधित हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं G20 की प्रथम शेरपा बैठक कहाँ हुई है, तो उदयपुर, आपने अभी क्वेश्चन में देखा। आगे देखते हैं G20 महिला सशक्तिकरण पर बैठक कहाँ हुई है, तो यह हुई है आपके गांधीनगर में। नेक्स्ट है, G20 के स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है, तो यह भी कहाँ हुई है, गांधीनगर में। तो ये दोनों चीज़ें आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।